प्यार करता है, क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं ना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोलते थे, अरे अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नजर में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनकी उनका चैन बिगड़ जाता था, अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी, और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं? लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सबसे ज्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे। क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहां पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे भाई बहन जो भी यहां पर आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहां पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर हमने, जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूं, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है?
प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था, और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूस पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है, वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी सी अभी नजर आती हैं, ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहां से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक क्यों। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम उसे भस्म कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नजरें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाए रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे जिंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं और उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है, अब शादी बाकी है और उस शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। और वो शादी की तैयारियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत जिसकी जिसके सिक्के घूम गए थे, जब उसके सिक्के घूम गए थे तो वो दीवानों की तरह उस सिक्कों को ढूंढ रही थी, क्योंकि पुराने समय में जब अपना प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था तो, या अपना शादी का न्योता उसको देना चाहता था, तो वो सिक्कों का हार देता था उसे, और वो उसका हार टूट गया और वो दीवानी हो गई, क्योंकि वो प्रेमी कभी भी आ सकता है चोरों की तरह, वो कभी भी आ सकता है उसे लेने के लिए, और अगर उसका हार उसने जल्दी से नहीं पिरोया तो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए उसने तुरंत अपना हार, अपने सिक्कों को ढूंढा, अपने हार को पिरोया और अपने दोस्तों के साथ वो जलसा मनाने लगी, क्योंकि उसको अब पता था कि अब जब उसका प्रेमी आएगा तो उसे ले जाएगा। उसी तरह से यीशु चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है, उन्होंने हमें इस पूरी कलीसिया को, हम सबको उसकी दुल्हन बनाया है और वो हमें लेने आ रहा है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जेवर पहने हैं? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से नहीं और किसी भी चीज से नहीं, बस सिर्फ प्रभु की करुणा से और अनुग्रह से हमें यह मुफ्त तोहफा मिला है, मुक्ति का। हमें सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में अपनाना है, स्वीकार करना है और अपनी मुक्ति पर काम करते रहना है, सिर्फ नजरें उसकी तरफ टिकाए हुए। और मैं जानती हूं, मैं चुनौती देती हूं आपको कि जिस तरह से प्रभु ने मेरी जिंदगी छू के मुझे आनंद दिया है, और मैं ये जानती हूं कि ये आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं दीवानों की तरह जाकर इसका ऐलान कर सकती हूं कि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है कि अब कोई खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने प्रभु की महिमा देखी है और जो यीशु मेरे जिंदगी में और जीवन में कर रहा है, मैं सिर्फ वो खुशी आप सबके साथ बांटना चाहती हूं, और आज वो गवाही बनकर आपके सामने खुलेआम ऐलान करना
चाहती हूँ कि मैं उसकी दीवानी हूँ, और आओ आकर मेरे दीवाने को चखो और देखो, आप कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी, लेकिन आज जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दिया, ऐसे नहीं कि रात में समर्पित कर दिया और सुबह में वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। जब हम दिल से कहते हैं कि प्रभु हमारे सारे बोझ तू ले ले, क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया और तूने हमारी सारी दुख तकलीफें पीड़ा बीमारियां ये सब हमसे लिया, तूने कोड़े खाकर अपनी जान की बलिदान सिर्फ इसलिए दी ताकि हम चंगे रहें, हम खुश रहें, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जी उठे, और आज उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से अगर तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगो तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और मुझे ये पूरा आश्वासन है कि एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दूल्हे राजा को अपने जीवन में बुला के देखना, आपकी जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी। और अगर थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सेना में पड़े तो क्या हुआ, जो हमें मिलने वाला है आनंद का जीवन में वो तो इन सब चीजों के बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर सोए हो तो जाग जाओ, आज का समय और अभी का समय बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहती थी, मेरी दुआएं आपके साथ है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन अगर समय मिलेगा तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुरु जी शु के नाम से गुरु जी को मेरी तरफ से असंख्य धन्यवाद। आमीन।